में तिरंगा मार्च निकाला है स्टूडेंट्स ने, आप देख सकते हैं रामजस कॉलेज के अंदर से ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक तिरंगा मार्च निकाला है। ये बहुत लंबा तिरंगा है और इसमें नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं कि वंदे मातरम, और जो जो विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये झंडा लगा हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इसमें एक्साइटेड। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा तिरंगा दिन है, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आज ये वायलेंस पीसफुल प्रदर्शन चल रहा है, किसी के लिए वायलेंस नहीं पहुँचाना, नॉन वायलेंस तरीके से हमें सामने को दिखाना है, आईसा वालों को हमें बाहर भगाना है। ये देखिए टेररिस्ट यहाँ से जाना है, अच्छी कंट्री से लीव कैंपस, देश विरोधी नारे नहीं लगाने चाहिए उनको। आप लोग रामजस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हाँ, रामजस कॉलेज के स्टूडेंट। तो आप लोग के कॉलेज में जो हुआ वो उसके बारे में क्या कहना है? वो सही नहीं हुआ, इन लोगों ने नारेबाजी करी, ये सही बात नहीं है, गलत देशद्रोही नारे लगाए, इसलिए हम लोगों ने पीसफुल मार्च निकाल के देश के लिए दिखाने के लिए झंडा मार्च निकाल रहे हैं, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी एग्रेसिव हैं और इसको लेकर पूरा कैंपस में तनाव है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए, पुलिस कॉर्डन करके इनको लेकर जा रही है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो। और यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान और काफ़ी पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर घेरे के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है कि किसी तरीके से भीड़ हिंसक ना हो, इसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और जो यहाँ पर जो इंतज़ाम है पुलिस के वो काफ़ी कड़े हैं, और जो आंसू गैस के गोले और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर है कि किसी तरीके से हंगामा ना हो, उसको लेकर ये पूरी तरीके से लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। कैमरामैन चेतन के साथ गवर्नेंस नाउ के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।